गाड़ी तो वॉश हो गई, ठीक है, कंप्लीट वॉश। सिर्फ इसमें लाइनर्स और इंजन ऑयल, इंजन ऑयल है आपका कैस्ट्रोल एक्टिव एक्टिव बॉन्ड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, 20W40 फोर स्ट्रोक के लिए, ठीक है। मैं तो शेल डालता हूँ, कस्टमर ने ला के दिया है, और ओरिजिनल वाला नहीं है, ASK ब्रेक शूज़। बस दो चीज़ चेंज करना और गाड़ी को थोड़ा जनरल चेकअप करके भेजना है। जनरल चेकअप बोले तो मैं तो शूट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, समझ लो कि गाड़ी वॉश होने बाद आपको ब्रेक चेक करना, सामने वाला आगे वाला पीछे वाला ब्रेक, और इंजन ऑयल चेक करना, और तुम्हारा नट्स बोल्ट्स पूरे चेक करना, प्लग निकाल के कंबशन चेक करना पड़ता है। और जब प्लग निकाल के कंबशन चेक करते हैं उस टाइम पे आपको मालूम हो जाता है कि रिच में चल रहा है, लीन में चल रहा है, या मिस मार रहा है, क्या है प्रॉब्लम, खाली सिर्फ प्लग से मालूम आता है, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ चेकअप, और दूसरा नट्स बोल्ट्स और पूरा चेकिंग करना है। मैं सिर्फ ब्रेक शू चेंज करने का और ऑयल डालने का दिखा के देता हूँ। और उसके बाद थोड़े लोग क्या करते हैं, मेन बात, गाड़ी सर्विसिंग होने के बाद इधर ग्रीस डालते हैं, ठीक है, और इधर ग्रीस डालते हैं इधर, क्यों उधर क्यों, उधर क्यों ग्रीस डालते हैं बोले तो, कस्टमर को गाड़ी सर्विसिंग होके करके मालूम होने के लिए ग्रीस डालते हैं। मुझे बताओ इधर ग्रीस डाल के क्या फ़ायदा, ऊपर इधर नट, ये जो नट है ना इसके ऊपर ग्रीस डाल के क्या फ़ायदा, बताओ ना। और बस इंजन ऑयल चेक करेंगे अभी, ठीक है। ऑयल तो चला गया है, बर्न हो गया ऑयल। लगता है आपको 70 है, लेकिन ये डिफरेंट अमाउंट देखे हैं, ठीक है, ये अमाउंट नहीं है 170, ओरिजिनल बोले तो 250-300 के अंदर है। स्प्रिंग क्लीनिंग नहीं, सिंपल सा, क्यों बोला तो इधर बहुत टाइम लग जाता है आपको क्लीन करने पर।
सेंट हमेशा टाइट रहता है दफ़ा वाशिंग के बाद। सो क्या करना, ज़्यादा सा ऑयल इसके अंदर लिंक के अंदर छोड़ना। जब तक ऑयल पीता तब तक आपको इधर पिलाना ऑयल, ठीक है। उसके बाद ग्रीस, गाड़ी सर्विसिंग के बाद ग्रीस यूज़ करने का नहीं, क्यों बोले तो ग्रीस डालने से तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, गंदा लोग गाड़ी धो के गंदा करे जैसा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद मैं ऑयल डाल देता हूँ, वही कैस्ट्रॉल का, और ये तुम्हारा फेसिनो का काम इतना ही। पूरे नट्स बोल्ट्स में चेक कर लेता हूँ, अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और उसके बाद मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो काम था मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारे घर के बगल में ही एक लड़का है अनु करके नाम, ठीक है। उसका एक्सीडेंट हो गया है एक्चुअली, इधर कट हो गया। तो मैं बोला था ना 1000 रुपीज़ मेरे पास है, तो वो 1000 रुपीज़ उनको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी मुझे चैनल के लिए सपोर्ट के पैसे देके थे वो पैसा 1000 रुपीज़ उधर जा रहा है, और मैं भी थोड़े पैसे करके मैं उधर जाके दे रहा हूँ। मैं बोला था ना किसी यूज़ के लिए हो जाता है, तो अभी तो गैरेज की ज़रूरत नहीं है, आराम से काम करके जा रहे हैं। तो वो पैसा मैं उधर पैसा देता हूँ, और वो आदमी को मैं दिखाता हूँ, वो लड़के को दिखाता हूँ क्या हो गया एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।